अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अब तक की जो बहस चल रही थी और चैप्टर नंबर 7 में, पार्ट नंबर 7 समझो, तो वहाँ तक हम ये बात बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत क्यों की और अल्लाह ने हिदायत क्यों की और क्यों हिदायत के लिए क्या इंतज़ाम किया। तो उसमें ये पता चला कि अल्लाह ने नबी भेजे। नबियों में जो है जो इंसानों की हिदायत के लिए नबी भेजे, तो वो पैगंबर प्रॉफिट जिसको बोलते, तो प्रॉफिट 1,40,000 भेजे और आखिरी नबी भी भेजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो यहाँ तक हमारी बहस हुई आखिरी नबी तक। और हम अभी दुनिया के मुख्तलिफ मजहब के बारे में इस चैप्टर में जिक्र करेंगे कि कितने मजहब दुनिया में है, कौन कौन से है, मजहब क्यों बने, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप बता दिया था पिछले चैप्टर में, 7 नंबर में। तो अभी एक मसला ये जो चल रहा है आज के ज़माने में, जो फितना जिसको बोलेंगे, कि लोग नबूवत के दावे कर रहे हैं, प्रॉफिट होने के दावे कर रहे हैं, कि आजकल बहुत सारे लोग अपने आप को नबी बता रहे हैं। और हुजूर सल्लम की हदीस भी है कि क़यामत के पहले, मेरे बाद क़यामत के पहले तक 30 झूठे आएंगे, यानी 30 बड़े झूठे। ये छोटे मोटे तो बहुत आते रहते, हर सदी में कोई ना कोई दो तीन तो रहते ही है, हर सेंचुरी में। तो क़यामत तक अभी और लाखों भी आएंगे जो दावा करेंगे कि हम नबी हैं। तो जो झूठे दावे जो नबूवत के करने वाले हैं, जो झूठे नबी उनके दावे कर रहे हैं, तो उनके दावे झूठे हैं वो लॉजिक से भी साबित हो रहे हैं, बाकी सबूतों से, कुरान हदीस से और दुनिया के हालात से तो भी साबित हो रहे ही हो रहे, मगर लॉजिक से, मंतक से भी साबित हो रहे। अब देखो, मिसाल के तौर पर अगर कोई नबी नबूवत का दावा किया आज के ज़माने में, जैसा ये गुलाम अहमद कादियानी है जिसने दावा किया था इंडिया में, वो इंडिया में पंजाब में था, वहाँ के स्टेट में, और उसने दावा किया था कि मैं नबी हूँ, और उसके मानने वाले अभी दुनिया में बहुत है, और वो लोग बहुत अपनी पब्लिसिटी करके पूरे दुनिया के अंदर गैर मुस्लिमों को, खुसूसन क्रिश्चियनों को, यूरोप में, अमेरिका में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को बहका के अपने ये बना रहे, और उन्होंने अपनी बहुत सारी स्ट्रेटेजी चेंज भी की है। तो वो डायरेक्ट कभी उसको नबी नहीं बोल रहे, बल्कि कुछ खलीफा ये वो ऐसी बातें करके बहका रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लेते हैं, उनका उनको आखिरी नबी भी मानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी मान रहे हैं, और मगर वो अपने जो झूठा नबी है उसका दावा भी कर रहे हैं, गुलाम अहमद कादियानी को मसीह और मऊद ये वो बोल रहे हैं। अब उसके अलावा उसके जो बहुत सारे उसकी बातों पे मानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा दावे करते रहते कि हम नबी है। तो मैंने पिछले चैप्टर में थोड़ा सा बता दिया था कि वो जो आजकल जो नबूवत के दावे कर रहे हैं वो झूठे किस तरह है, क्या वजह है कि वो झूठे हैं। उसमें एक बात ये बताया था मैंने कि अल्लाह ताला जो है, जो काम करता, अल्लाह ताला की जो क्वालिटीज़ है वो ये है कि वो हर चीज़ के बारे में पहले से सोचता है। ऐसा नहीं कि कोई काम किया बाद में उसको गलती का एहसास हो गया, अरे मैंने गलत कर दिया या गैर ज़रूरी कर दिया कि बाद में पता चला कि वो ज़रूरत नहीं थी। ऐसा अल्लाह नहीं कर सकता, कि तो अल्लाह की क्वालिटी नहीं है, अल्लाह के अंदर किसी किस्म का नुक्स और डिफेक्ट नहीं है। तो ये तो बात हो गई, जिस वजह से वो गैर जरूरी नहीं भेजता, क्योंकि तो आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का भेजना जरूरी नहीं है। क्यों? तो नबूवत का अल्लाह ताला जो नबी भेजता, जो गाइडेंस करता, पैगंबर भेजता, वो इसलिए भेजता कि लोगों की हिदायत हो, गाइडेंस हो, उसके लिए भेजता। तो असल में जिसने ये गुलाम अहमद कादियानी है या उस जैसे जो भी है और भी है, एक ने किया था 3-4 साल पहले पाकिस्तान में, वो असल में पाकिस्तान में नहीं रहता, वो दूसरे दुश्मन इस्लामी मुल्क में रहता, मुसलमानों का जो दुश्मन मुल्क है वहाँ रहता है वो, मगर वो बताता है जैसे मैं पाकिस्तान में रहने वाला हूँ, अपना नाम भी सही नहीं बताता, वो अहमद ईसा ऐसा कुछ बताता, वो भी नबूवत के दावे करता, और उसका तो ये बोलना है कि वो मैं नबी हूँ, और असल में वो मुसलमानों को इश्तियाल दिलाता, ये बताता कि मुसलमान उससे पूछे, वो खुद दावे करता कि पूछो मैं पैगंबर हूँ, मैं नबी हूँ। तो वो चाहता है कि मुसलमान उससे पूछे कि भाई तू नबी है तो तेरा कोई मौजजा पेश कर बोल के, कि उसको मालूम है कि ऐसा सवाल करेंगे मुसलमान तो फिर मैं वही जवाब दूंगा जो कुरान में है, कि हम तो कोई ना मौजजा नहीं पेश करते मुसलमानों को, जो हुजूर सल्लम जो दाव का ऐसे दावे का जवाब जो अरबी लोग हुजूर सल्लम से पूछते थे कि आप नबी है तो कोई आयत पेश करो, कोई मौजजा पेश करो, तो हुजूर कोई मौजजा ऐसा कोई पेश नहीं करते थे और ऐसे जवाब देते थे। तो वो अहमद ईसा भी यही सोच के बैठा हुआ है कि उससे लोग पूछे कि कोई मौजजा पेश करो, फिर मैं वही जवाब दूं जो कुरान में है, तो मुसलमान लाजवाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, उसका जवाब लॉजिकली मैं आपको बताया हूँ,
कि आजकल जो भी नबी रहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या उनके पहले के 1,40,000 पैगंबर हो, जो भी हो, हर एक के साथ कोई ना कोई मौजजा 100% था, रहता ही है। हुजूर के साथ भी मौजजा है, बहुत सारे मौजजे। तो एक मौजजा तो इतना बड़ा है कि चांद को टुकड़े दो टुकड़े कर देने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े किए, और उसका देखने वाला, उसके अरब मुल्क में तो लोगों ने देखे, अरब के लोगों ने उस जमाने जो मौजूद थे उन्होंने भी देखे, और दूसरे मुल्कों में भी लोगों ने देखे। इंडिया में केरला स्टेट एक है, वहां का एक बादशाह था चेरामम, उसका नाम था चेरामम, वो गैर मुस्लिम था, उसने भी वो नजारा देखा था, वो आसमान पे दो चांद के टुकड़े देखे थे। पर बाद में जब अरबी लोग, उस जमाने में जो मुसलमान नहीं थे, तिजारत के वास्ते, स्पाइसेस के ट्रेड के लिए इंडिया से आते थे, श्रीलंका से आया, और इंडिया से कुछ मसाले लेके अरबस्तान जाते थे, उनका जहाज आया मक्के से, तो उन्होंने पूछा उससे कि भाई ऐसा ऐसा मैंने देखा आज से 15-20 दिन पहले या महीना भर पहले, आसमान में दो चांद टुकड़े हुए, आप भी समंदर में थे जब आ रहे थे, तो आपको दिखा क्या? तो वो अरबों ने बोले कि हाँ, मक्के में एक है शख्स जिन्होंने चांद के दो टुकड़े किए। तो वो चेरामा मुसलमान हुआ, इस्लाम कबूल किया, मक्का गया, और बाद में उसके नाम से एक मस्जिद मौजूद है, चेरामा मॉस्क मस्जिद, वहां पे अभी भी केरला में, इंडिया में। तो ये मौजूद है कि मैं नहीं बता रहा हूँ कि, तो मैं आपको लॉजिकल बात बता रहा हूँ, ऐसे मौजूदे और ऐसे कुरान हदीस की आयत बताना उन लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है जो इन बातों को नहीं मानते। जो लोग साइंटिफिक बातें मानते या अल्लाह को नहीं मानते या कुरान हदीस नहीं मानते, उनके लिए साइंटिफिक और लॉजिकल बात चाहिए। तो लॉजिकल बात ये थी उसके अंदर कि अल्लाह ताला जो भी पैगंबर भेजता है, जो भी पैगंबर अभी तक भेजा है, उनके साथ मौजजा रहता ही है, उनके साथ एक मिराकल रहता ही है, कोई ना कोई उनके साथ मिराकल रहता ही है। तो हर नबी के साथ मिराकल थी, और हर नबी की मिराकल जो थे उनकी जिंदगी तक थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी नबी है, आखिरी पैगंबर है, तो उनका मिराकल भी जो है ना उनकी जिंदगी तक नहीं है, बल्कि वो हमेशा के लिए है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होने के अलावा हमेशा के लिए नबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी नबी है और हमेशा के लिए नबी है, अब कयामत तक, आज से लेके जब से हुजूर आए, आज से 1440 साल पहले, जब से लेके तो आने वाली कयामत तक, या चाहे लाखों साल के बाद आओ या करोड़ों साल के बाद कयामत आओ, कभी भी क्यों नहीं आती, जब तक के लिए हुजूर पैगंबर है, हुजूर की जो रिसालत है, पैगंबरी है, कयामत तक के लिए कायम है। हुजूर की पैगंबरी खत्म हो गई ऐसे नहीं है, हुजूर की पैगंबरी कयामत तक के लिए है, और उनका मौजजा भी कयामत तक के लिए है। और उनका मौजजा क्या है? कुरान मौजजा है, कुरान के जैसी कोई आयत नहीं बना सकते। कुरान जो है उसके अंदर से हिदायत और गाइडेंस, हमारे लिए सोल्यूशन निकलते, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुरान में से नहीं अगर निकला तो हम मानेंगे कि कुरान मौजूदा नहीं है। आप सबके लिए ये कयामत तक के लिए टाइम है कि कंप्यूटर की मदद से या बाकी लोगों की मदद से आप ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई मसला ढूंढ के निकालो, ये दुनिया का फ्यूचर में के वास्ते भी या अभी के वास्ते भी, कभी के वास्ते भी एक मसला ढूंढ के निकालो जिसका सोल्यूशन आपको कुरान में नहीं मिलेगा, ये बता दो। आपके लिए टाइम कयामत तक के लिए है। इसका मतलब ये है कि कुरान से हमको गाइडेंस और रहनुमाई कयामत तक के मिल रही है, और ये कुरान का एक मौजजा है, और ये कुरान का मौजजा कयामत तक के रहने वाला है, तो ये हुजूर का मौजजा है। आज अगर कोई पैगंबर होने का दावा करता है तो उसको भी मौजजा दिखाना चाहिए, और आज भी जो जो भी दावा करेगा उसको मौजजा 100% दिखाना है, और वो मौजजा को हम चेक करेंगे साइंस के डिवाइसेस से, आलात से, और इक्विपमेंट से, और टेक्नोलॉजी से हम चेक करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी है, हम वो चेक करके देखेंगे कि उसका मौजजा सही है क्या गलत है। अगर मौजजा सही निकलता है तो पैगंबर सही मानेंगे, अगर मौजजा गलत निकलता है तो वो पैगंबर झूठा है। मगर अल्लाह ताला की, जैसे आपको मैंने बताया क्वालिटीज में, कि अल्लाह ताला अपने वादा खिलाफ नहीं है, अल्लाह ताला ने शैतान को फ्री एंड फेयर मौका दिया है दुनिया में इंसानों को बहकाने का, और अपने अल्लाह ताला ने अपने लिए भी एक मौका रखा है इंसानों की गाइडेंस और हिदायत का। शैतान को मौका दिया, तू बहका, तेरे को बहकाने का फ्री एंड फेयर मौका है, अल्लाह ताला बोलता मैं गाइड करूंगा, मैं अपनी निशानियां दिखाऊंगा, कायनात दिखाऊंगा, कायनात की चीजें दिखाऊंगा, हिदायत दिखाऊंगा, कुरान और हदीस के हवाले दिखाऊंगा, और उसकी हकानियत दिखाऊंगा। तो ये एक मौका अल्लाह ने दिया गाइडेंस करने के लिए, पैगंबर भेजे। अब ये जो लोग ये चीजों को देख के सही रास्ते पे आएंगे उनको इनाम देगा, और जो गलत रास्ते पे शैतान के बहकावे में जाएंगे तो वो भटक जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फ्री एंड फेयर मौके के अंदर एक मौका ये दिया कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, अल्लाह ताला का फ्री एंड फेयर मौका देने का जो इंसाफ का तकाजा ये है कि अल्लाह ऐसा कोई काम ना करे कि कोई कानून तोड़े ये कायनात का, कायनात का कोई कानून अगर तोड़ता है अल्लाह ताला तो वो शैतान के लिए मौका हो जाएगा कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है मेरे लिए, देखो तूने ये कानून तोड़ा, ये चीज दिखा दिया, ये मिराकल दिखा दिया, ये चांद तोड़ के दिखा दिया, ये ऐसा हो गया,
तूने ये मिराकल दिखा दिया इसलिए लोग मान लिया और ये कानून टूट गया और मेरे को फ्री एंड फेयर मौका नहीं मिला, ये शैतान बोलेगा। तो ये नहीं बोलना है, इसके लिए अल्लाह ताला ऐसा कोई काम नहीं करता जो अभी कोई कानून टूटे और कोई उसको मिराकल नजर आए। इसका मतलब ये है कि आज के जमाने में हम साइंस से जो मिराकल चेक करेंगे, आज किसी ने भी अगर दावा किया, कोई ने भी बोला मैं प्रॉफिट हूँ, गुलाम नबी क्या बोलेंगे अहमद खादियानी है या उसके कोई चेले चपाटे हैं गुलाम अहमद खादियानी के, अगर कोई दावा करते कि हम पैगंबर है तो उसका जो हम उससे मौजजा मांगेंगे और मौजजे को हम साइंस और टेक्नोलॉजी से चेक करेंगे और वो साइंस और टेक्नोलॉजी से गलत साबित होगा, सही साबित नहीं हो सकता। अगर सही साबित हुआ तो समझो समझना उस पैगंबर सही है, अगर गलत साबित हुआ तो समझना पैगंबर गलत है। तो वो आज के जमाने में वो मौजूदा सही साबित क्यों नहीं हो सकता? क्यों? तो अल्लाह ताला किसी किस्म का कानून नहीं तोड़ता ताकि शैतान को कोई चांस न मिले ये बोलने के लिए कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है। इसीलिए वो पैगंबर, जो भी पैगंबर है, वो सब झूठे हैं, उनका कोई दावा आज के जमाने में साइंस से साबित नहीं हो सकता, ना किसी पैगंबर ने कोई दावा किया। गुलाम अहमद कादियानी ने जब दावा किया कि मैं पैगंबर हूँ, क्या कौन सी जरूरत उसने इस्लाम की पूरी की? अभी तक बताओ, मैं मेरा चैलेंज है, इसने गुलाम अहमद कादियानी ने बहुत सी किताबें लिखी और हर किताब पूरी जिंदगी भर किताबों में वो सिर्फ ये साबित करने के लिए लिखा कि मैं पैगंबर हूँ, अपने पैगंबरी साबित करने के लिए ऊट पटांग बातें उसने किताबों में लिखी हुई है, बहुत सारी ऊट पटांग बातें हैं वो किताब में लिखी हुई है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब लिखे हैं, बुराइन और खजाइन और क्या क्या ऐसी किताबें, हर सब किताबों में सिर्फ वो ये साबित करना, पूरी जिंदगी उसकी साबित करने में गुजरी कि मैं पैगंबर हूँ। उसने किसी किस्म का मसला हल नहीं किया, कि कोई प्रॉब्लम हल नहीं किया, मुसलमानों का कौन सा प्रॉब्लम उसने हल किया? अगर समझो सही पैगंबर है और अल्लाह ने पैगंबर भेजा है, तो अल्लाह पैगंबर कब भेजता? जब इंसानों को जरूरत हो किसी मसले की, किसी प्रॉब्लम की, कोई ऐसा प्रॉब्लम उनके पास आ जाए जिसका हल मौजूद नहीं है कुरान हदीस में, ऐसा आए जब पैगंबर भेजता। तो गुलाम अहमद कादियानी ने कौन सा मसला हल किया इस्लाम का, इस्लाम का कौन सा प्रॉब्लम उसने सॉल्व किया ये बताए? अगर उसने एक प्रॉब्लम बता दे कि गुलाम अहमद कादियानी ने सॉल्व किया, हम पैगंबर मानने को तैयार है उसको लिए। गुलाम अहमद कादियानी ने एक भी प्रॉब्लम इस्लाम का हल नहीं किया, ये इस्लाम का नहीं पूरी दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम उसने हल नहीं किया, तो इसका मतलब 100% झूठा है। अच्छा, ये एक बात बता रहा था मैं कि पहले जमाने में जो आप बोलेंगे कि ये जो आज जो पैगंबर का दावा किया, जिन जो लोग भी पैगंबर का दावा करते, तो वो लोग हम इसलिए पूछते हैं कि जो लोग आज पैगंबर की दावा करते तो उनसे हम मौजजा पूछेंगे और उनके मौजजे जो है तो अगर साइंस से साबित होंगे तो मानेंगे, साइंस से गलत साबित हो नहीं मानेंगे। फिर आप ये इसलिए कि अल्लाह ताला अपना कानून नहीं तोड़ता, अपना जो कानून है शैतान को फ्री एंड फेयर मौके देने का वो नहीं तोड़ता, ये लॉजिकल है। तो आप लोगों के दिल में एक सवाल पैदा होगा कि फिर पहले जमाने में जो इतने पैगंबर आए और सबने मौजजे पेश किए, आप बोलते कि हर पैगंबर जो आया था 1,40,000 सबके साथ मौजजे थे और उन्होंने पेश किया और लोगों ने देखे, तो जब कानून नहीं टूटा गया, पहले भी कानून टूटना चाहिए जब भी आया तो, मगर उस वक्त इस कानून इसलिए नहीं टूटा कि वो ओपन टू स्पेकुलेशन थे, उस जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम उनके मौजूदे को जांच नहीं सकते थे। आज हम किसी भी लो चीज के मौजूदे को, किसी मिराकल को जांच सकते, साइंस और टेक्नोलॉजी से प्रूफ कर सकते कि सही है क्या गलत है, मगर पहले जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते थे, उस जमाने के कोई भी लोग प्रूफ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमेशा उनके दिल में शक रहता था। और जब किसी के दिल में कहां शक रहता है, जब किसी के पास कोई शक रहने की गुंजाइश रहती है, ओपन टू स्पेकुलेशन रहता है, तो वो बात ऑथेंटिक नहीं रहती और वो कानून को तोड़ती नहीं। क्योंकि तो उस जमाने के अंदर भी जब पैगंबर थे, आज से 1,40,000 पैगंबर जो पहले आए थे, उनके जमाने में जो मौजूदे थे, उनको भी मानने वाले, देखने वाले, जो अपने आंखों से जिन्होंने वो देखे, वो खुद उनके शक शुभ शुभात में मुब्तला थे, उनको वो खुद समझते थे कि ये पैगंबर ये मौजूदा नहीं है। तो जब ऐसा था तो कानून नहीं टूटा, मगर आज के जमाने में अगर कोई पैगंबर के दावा करे और उसका हम साइंस से चेक करें उसका मौजजा और वो सही साबित हो, वो टूटे नहीं, तो फिर कानून टूटता है अल्लाह का। इसलिए ये बताया मैंने कि ये सारे जितने भी पैगंबर हैं सब झूठे हैं। आज जो भी पैगंबरी का दावा करते हैं उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है बताओ? आजकल आजकल गुलाम अहमद कादियानी हो या कोई भी हो, जो भी पैगंबरी का और अपने प्रॉफिट होने का दावा करते, उन्होंने कौन सा इस्लाम का प्रॉब्लम सॉल्व किया या मुसलमानों का कौन सा मसला हल किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब अल्लाह ताला ने गैर जरूरी उनको भेजा, कोई जरूरत नहीं थी भेजा, ऐसा नहीं, अल्लाह ताला गैर जरूरी काम नहीं करता। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के ये देखेंगे कि जो है मैं बात कर रहा था कि अल्लाह ताला हमको हमेशा इम्तिहान में रखता, अल्लाह ताला हमेशा हमारा टेस्ट लेता रहता, हमारे दिमाग का टेस्ट, असल में हमारे दिमाग का टेस्ट लेता रहता वो, कि ये दिमाग से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, देख रहे कि नहीं देख रहे। अच्छा, हमारे साथ जो अच्छाई बुराई होती है उसके अंदर भी हमारे लिए फायदे होते हैं, हमारे साथ जो भी अच्छाई होती है उसमें भी टेस्ट है, जो भी बुराई होती है उसमें भी टेस्ट है। इस्लाम के मुतलक जो बुरी बातें करते हैं लोग,
गैर मुस्लिम जो इस्लाम की बुरी बातें निकालते हैं, इस्लाम हमारे पैगंबर के अंदर बुरी बातें निकालते हैं, इस्लाम के अंदर इस्लाम की तालीमात के अंदर जो बुराइयां तलाश करते रहते हैं, उसके अंदर भी हमारे लिए जो है ना एक इम्तिहान है। और अल्लाह का मल्टीटास्किंग है, अल्लाह की मल्टीटास्किंग टास्किंग ऐसी है कि अगर समझो हमारे अजान के अंदर कोई बुराई निकाल रहे कि अजान से ये तकलीफ हो रही है, मुसलमान जो है तो औरतों पे जुल्म करते हैं, इस्लाम के अंदर औरतों का दर्जा है कमतर है और फला है करके मुसलमान इस्लाम में बहुत सारी बुराइयां निकालते, मगर इसके अंदर भी जो है ना हमारे लिए फायदे हैं। ये फायदे ये है कि यूरोप के जो लोग हैं, अमेरिका के, यूरोप के जो अकलमंद लोग हैं या पूरी दुनिया के जो अकलमंद लोग हैं, वो जब ये बातें सुनते हैं कि अजान के ताल्लुक से, हिजाब के ताल्लुक से, शादियों के ताल्लुक से और निकाह के ताल्लुक से और औरतों पे जुल्म के ताल्लुक से, कुरान के अंदर की गलतियों के ताल्लुक से, जो भी बातें जब ये अपने जो गैर मुस्लिम बताते, जब वो पूरे दुनिया के अकलमंद लोग सोचते तो इस्लाम की स्टडी शुरू करते, इस्लाम की मजीद स्टडी करते, तहकीक करते। वो लोग ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, पूरे दुनिया के जो अकलमंद लोग हैं वो जब तहकीक करते, वो सच मालूम करना चाहते, वो डायरेक्ट कुरान हदीस ये किताबों से रुजू करते, और वहां जब जाके देखते तो पता चलता है कि वहां पे सच क्या है और झूठ क्या है, वो इस्लाम कबूल करते। इसके अंदर भी अल्लाह की मल्टीटास्किंग है, इसके अंदर भी हमारे लिए फायदे हैं। अच्छा, अल्लाह ताला की जो है ना टेस्ट नेमत हमारे लिए है, ये भी उसमें बताया हुआ है। और भी चीज इसके अंदर क्या है कि अभी मैं अपना जो जिक्र निकला था, ये बातें करते करते, दुनिया के मुख्तलिफ मजाहब, दुनिया के मुख्तलिफ मजाहब कैसे बने, अलग 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 मजहब जो बने दुनिया में वो पैगंबरों के बाद बने। पैगंबर आए, उन्होंने जो है तो अपनी अपनी तालीमात दी, फिर बाद में लोगों ने अपनी जहालत से या किसी वजह से वो तालीमात को भूल गए। तालीमात को भूलने के बाद अलग अलग मजहब बने, अलग अलग मजहब बनने के बाद उसमें कौन कौन से बने, बहुत पुराने पुराने मजहब है, बुद्ध मजहब है, जरतश्त का मजहब है, जोरास्तरियन का मजहब है, यानी ईरान में एक मजहब था जो जोरास्तर बोलते थे, जरदश्त, जरदश्त ने एक मजहब निकाले थे, वो भी अल्लाह को एक मानते थे और लोगों के अंदर अच्छाई उनके भी करना ऐसे उनके ये थी, और उनके जो बाद में मानने वाले हैं जरदश्त के, वो आग की पूजा करते, आग की इबादत करते, तो उनको जरदश्त बोलते। चाइना में और जापान में कन्फ्यूशियस मजहब था, और जो बेबीलोनिया है जिसको बाबुल बोलते हैं इराक में, और नेनेवा बोल के एक वहाँ पे करीब में और है, वहाँ पे भी एक मजहब थे जो आसमान के सितारों को मानते थे, सूरज चांद सूरज की इबादत करते थे, सितारों की इबादत करते थे और नुजूमियों का हिसाब रखते थे, सूरज की चाल, चांद की चाल, सितारों की चाल के हिसाब किताब उन्होंने निकाले थे और वो रखे थे। रोम जो है वहाँ पे भी अलग मजहब था, बहुत सारे खुदाओं को मानते थे, और बाबुल नेनवा के अंदर भी बहुत सारे खुदाओं को मानते थे। ये जो बहुत इस्लाम के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो ये है, एक खुदा को मानना कि उसको बोलते हैं वहदानियत, एक खुदा को मानना अल्लाह, और इस्लाम के अंदर एक खुदा को मानने के लिए खास तौर से कहा गया। आसमानी जो मजहब है, तीन आसमानी मजहब जो है जिनको इब्राहिमी मजहब बोलते, जो मजहब है इब्राहिमिक रिलीजन जो है वो तीन है, जुडाइज्म यहूदी यहूदी मजहब, क्रिश्चियनिटी ईसाइत और इस्लाम, ये तीन जो है इब्राहिमिक मजहब है, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद के थ्रू फैले हुए हैं ये, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मजहब वही था, अल्लाह को एक मानते थे और उनकी जो तालीमात थी अल्लाह की, और वो मजहब के अंदर सिर्फ अल्लाह को एक मानने, और जो जो लोग अल्लाह को एक से ज्यादा मानते, दो मानते, तीन मानते, चार मानते, बहुत सारे मजहब ऐसे कि हजारों लाखों उनके पास खुदा है, तो ऐसे मजहब को जो एक से ज्यादा अल्लाह मानते उनको मुशरिक बोलते। मुशरिक का मतलब है जो अल्लाह के अंदर पार्टनर समझते, अल्लाह के अंदर शरीक, अल्लाह के अंदर जो जिसके अंदर एक अल्लाह के साथ दूसरा तीसरा चौथा, जो जिनको पार्टनर्स बोलते, तो इनको शरीक बोलते, शरीक अरबी में शरीक यानी पार्टनर, तो उसको मुशरिक बोलते, ऐसे लोगों को मुशरिक, जो अल्लाह के साथ एक अल्लाह से ज्यादा मानते हैं वो मुशरिक, और एक अल्लाह को मानने वाले वहदानियत वाले। तो ये ऐसी हमारी टर्मिनोलॉजी है इस्लाम की। तो ये दूसरे जो मजहब है दुनिया के, तो उसमें बहुत कम मजहब ऐसे जो एक अल्लाह को मानते, जरदश्त जो थे वो एक अल्लाह को मानते थे। बुद्ध के बारे में तो लिखा हुआ है, अब बुद्ध ने खुद बोले या नहीं बोले कुछ नहीं मालूम है, कि तो गौतम बुद्ध जो थे इंडिया में, बिहार और नेपाल की बॉर्डर पे उनका पैदाइश थी, तो वो क्या मानते थे वो मालूम नहीं है, कि तो उनकी जो तालीमात है वो असली तालीमात कहीं मौजूद नहीं है, उनके बाद बहुत लोगों ने दिलों से लिखे भी है, तो उनपे इल्जाम ये लगाया जाता है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, मगर पहले जमाने में ये बात ध्यान में रखने की है,
इंडिया हो या कोई मजहब हो, कोई भी कंट्री हो, वहाँ के जो दीन के या मजहब के मानने वाले थे तो वो मजहब को मानते ही उस वक्त थे जब अल्लाह को मानते होंगे, जब अल्लाह था ही इसीलिए वो मजहब को मानते थे और मजहब के ऊपर उनके अकायद थे। अल्लाह नहीं होता तो फिर वो ऐसी चीजों को मानते क्यों थे। गौतम बुद्ध के बारे में ये है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, तो ये ऐसा उन पे इल्जाम है मेरे हिसाब से कि तो उन्होंने जो बोला वो 100% का लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, कंजे थे जो जरदश्त, वो तो अल्लाह को एक मानते थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत कहीं लिखा हुआ है, उनकी भी कोई किताब के बारे में अथेंटिसिटी नहीं है, उनके भी कई साल के बाद, उनके भी कई 100 साल के बाद वो किताबें लिखी गई, किसने लिखी वो भी नहीं मालूम है। कन्फ्यूशियस के बारे में भी ऐसे, जो चाइना में बेबीलोनिया जिसको बाबुल बोलते हैं, और नीनवा जो इराक में है, वहां पे भी बहुत सारे खुदाओं को मानते थे, सितारों को मानते थे, वो भी मुशरिक थे। रोम जो अभी इटली का जो रोम है, रोमन एम्पायर और उसके पहले के सिकंदर, अलेक्जेंडर, ये वो सारे जो यूनानी थे, यूनान का था अलेक्जेंडर, वो भी जो है बहुत सारे खुदाओं को मानते थे, उनके पास तो बहुत बड़ी माइथोलॉजी है। ऐसे खुदाओं में लड़ाई झगड़े, उसके किस्से हैं, जंगे, खुदाओं के अंदर आपस में लड़ाई जंगे, दुनिया के बहुत सारे मजहब हैं और भी जो एक से ज्यादा खुदा मानते, हजारों लाखों खुदा मानते, उनमें हमेशा लड़ाई झगड़े जंग चालू रहती, और उनके मजहब के अंदर वो किताबों में, उनके मजहबी किताबों में वो आपस में खुदाओं की लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है कि खुदा आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे को जो है तो हराते रहते, गिराते रहते, एक दूसरे को नीचे दिखाना। यहाँ तक के कुछ मजाहब में ऐसा है कि कोई अगर इंसान या जिन या कोई अल्लाह की इबादत कर रहा है और नेक और अच्छा बन रहा है, तो दूसरे खुदाओं को जलन पैदा हो जाती, वो देखते वो ये इबादत करके कुछ हासिल कर लेगा तो उसको हराने के लिए, गिराने के लिए मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करते, उसकी जो इबादत में खलल पैदा करने के लिए। ऐसे भी मजहब है ये, ऐसे जो है ना गंदे और झूठे मजहब है कि जो दूसरों को इबादत भी नहीं करने देते, दूसरों को सीधा भी नहीं होने देते, ये असल में वो उनके झूठे किस्से कहानियां हैं, ये सही नहीं है। कोई भी नेक आदमी, कोई खुदा और कोई अच्छा आदमी दूसरे आदमी की इबादत को में खलल नहीं पैदा कर सकता। मगर ऐसे है, यूनान के अंदर, रोम में हजारों सौ से खुदा है और उनकी मैथोलॉजी है। यहूदियों का जो मजहब है, जो जुडाइज्म है, वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और उनके मजहब को थोड़ा थोड़ा मानते चलते आते थे। उनके अंदर जो सबसे बड़े पैगंबर आए वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। जो यहूदी कौम है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, और वो उस एरिया में रहते थे जो बोलेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबुल और नैनवा से, इराक से निकल के इधर आए, फलस्तीन आए थे, वहां रहते थे। बाद में फिर वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में इजिप्ट चले गए, मिस्र चले गए। मिस्र में जाके वहां पे उनकी हुकूमत कायम हो गई। कुरान शरीफ में सूरह यूसुफ के अंदर जिक्र है और यहूदियों की किताबों में जिक्र है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत वो पैगंबर भी थे, इसलिए वहां के बादशाह के नजर में बहुत बड़ी उनकी हैसियत हो गई और वहां के बादशाह ने उनको एक बहुत बड़ा दर्जा दे दिया, तकरीबन उनकी हुकूमत ही रही। और वहां पे वो बहुत यहूदी फैले और बहुत उनके कौम बड़ी हुई और बहुत आबाद रहे, और बहुत सालों तक रहने के बाद उन्होंने मगर अपना दीन नहीं फैलाया। दीन नहीं फैलाने की वजह से ये इजिप्ट में वो कौम गुलाम हो गई, वो यहूदी कौम उस कौम की गुलाम हुई जिसके ऊपर वो हाकिम थे। यहूदी जिस कौम के ऊपर हुकूमत करते थे उसी कौम के गुलाम हो गए, और वो गुलामी के अंदर जो है उनके ऊपर बहुत सी तकलीफें थी, बहुत सताते थे। वहाँ का जो बादशाह था मिस्र का, जिसको फिरौन बोलते उस जमाने में, तो वो उन पर बहुत जुल्म करता था। वो किस्सा मशहूर है कुरान शरीफ के अंदर कि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने वो यहूदियों को मिस्र से निकाल के, फिरौन के जंगल से निकाल के, दरिया नील उबूर करके वापस फलस्तीन में लेके आए, पैलेस्टीन में। और बाद में फिर वहाँ पे वो उनको अल्लाह ताला ने तौरात दिया, अल्लाह की किताब और हिदायत दिया, वो लिखी हुई है। और उसके बाद तलमूद बनी, तलमूद के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, उसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी किताब है, दाऊद अलैहिस्सलाम की भी है, बहुत सारे पैगंबरों की किताबें जमा करके तलमूद बनाई है, जिसको बाइबिल भी बोलते हैं, बाद में बाइबिल भी है, और बहुत सारी किताबें जमा करके, बहुत सारे पैगंबरों की किताबें जमा करके बाइबिल बनाई हुई है। अच्छा, तीन चार किताबें हैं। फिर बाद में वो
यहूदियों में से भी बहुत पैगंबर आए, यहूदी में अल्लाह ताला ने बहुत पैगंबर भेजे, उनके अंदर भी एक आखिरी पैगंबर भेजे ईसा अलैहि सलाम, जिसको यहूदी नहीं मानते। ईसा अलैहि सलाम के पास भी किताब आई। जो ईसाई मजहब है वो असल में यहूदियों का एक फिरका ही था पहले। हजरत ईसा अलैहि सलाम जो मूसा अलैहि सलाम की शरीयत को ही आगे बढ़ाने वाले थे, उसी को चला रहे थे, मगर बाद में कुछ लोगों ने ईसा अलैहि सलाम की ऊपर झूठे इल्जाम लगाए और अल्लाह ताला ने उनको जिंदा ऊपर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहि सलाम को मारने की साजिश की लोगों ने, यहूदी लोगों ने उनको कत्ल करने के लिए झूठे इल्जाम लगा के बादशाह के सामने पेश किया। उस जमाने में जो बादशाह थे रोमन, उनके सामने पेश किया झूठे इल्जाम लगा के और उनको मारने की साजिश की। ऐन वक्त पे जब उनको मारने वाले थे, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को जिंदा ऊपर उठा लिया आसमान पे अपने पास, और उनकी जगह पे एक उनके जैसा हम शक्ल या उनका एक दुश्मन जो उनका गद्दार था ईसा अलैहि सलाम का, उसी को उनकी शक्ल बना दिया और उसी को फांसी वांसी हो गई। और इसी को देख के जो वहां के लोग थे उनको मानने वाले, उन्होंने फिर वो उन्हीं को ईसा समझा और एक नया मजहब बना लिया जो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो ईसा अलैहि सलाम की तालीम से। ये उनकी तालीम है। और उनका एक सेंट ये था, हजरत ईसा अलैहि सलाम का बहुत मुखालिफ था, बहुत दुश्मन था एक यहूदी, उसका नाम था पोलस, पोल्स, जिसको अभी आजकल वो सेंट पॉल्स बोलते, सेंट पॉल। सेंट पॉल ने जो है तो उनकी तालीमात बिल्कुल चेंज कर दिया और बिल्कुल उसमें 100% गड़बड़ कर दिया, और बाद में एक अपनी एक नया मजहब फैलाया। और बाद में ईसा अलैहि सलाम के 300 साल के बाद, तकरीबन 200 साल के बाद, उन्होंने फिर उनकी किताबें अपने मेमोरी से लिखी और 4 इंजील बनाई है, 4 किताबों को मिला के एक किताब बनाई है। और उसके वो सब हुआ हदीस टाइप ही है कि, तो हजरत ईसा अलैहि सलाम के डायरेक्ट उसके अंदर कुछ बातें भी नकल करी हुई है, तो उन्होंने डायरेक्ट ऐसा दिखाया नहीं है जैसा कुरान में है, लोगों ने सुन के लिखी हुई है। उसके अंदर जो हजरत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने किताब दी थी उसकी कुछ हिस्से शामिल है, कुछ हिस्से शामिल है मगर वो असली किताब नहीं है। ये हुआ इनका जिक्र, ईसाइयों का जिक्र। उसके अलावा अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो है पैगंबर भेजे बीच में, 1,40,000 बोला उसमें, बहुत सारे पैगंबर, बहुत सारी बस्तियां, बहुत सारे लोग, लूत और समूद, आद, और बहुत सारी बस्तियां कुएं वाले जिनके पास कुएं थे, जैसा आप देखते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जो ये सिंध में मौजूद है, सुबह सिंध में पाकिस्तान के अंदर, तो वहां पे जो है ना कुएं हैं ऐसे जिसको वेल बोलते हैं, बावड़ियां, कुएं जो है, तो कुएं वालों का भी जिक्र कुरान में है कि कुएं वाले ऐसे हैं कि उनका कोई भी जिक्र नहीं। अल्लाह ताला ने जब उनके पास पैगंबर भेजे वैसी बस्तियों वाले पास, कौम लू आद समूद और उनके पास लूत के पास जो भेजे, जब उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी तो अल्लाह ताला ने उनको बर्बाद किया, खत्म किया, उनको पूरा डिलेट कर दिया। तो वैसे बहुत सारी बस्तियां हैं, बन वाले हैं जो जंगल के झाड़ी वाले हैं, और उनकी खिंडरात अभी भी मौजूद है अरबस्तान में। जब आप जाके देखिए पूरी दुनिया में कुरान शरीफ में बार बार बताया है कि आप जाओ और उनके खिंडरों को देखो, उनके खिंडरात को देख के इबरत हासिल करो और देखो कि अल्लाह ताला ने कैसा उनको बर्बाद किया। बहुत सारी बस्तियों का जिक्र है कुरान में जो अरबस्तान में अतराफ, सऊदी अरब के अतराफ मौजूद है, और कुएं वालों का भी जिक्र है। और उसके अंदर जो है बड़े बड़े जो लोग हैं जो जो उस जमाने में थे, हारून, और जो जो बादशाह थे जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और हजरत मूसा अलैहि सलाम की नाफरमानी की, उसमें हारून बोल के भी एक था, यहूदी था, मगर गवर्नमेंट के जो फिरौन था उसकी गवर्नमेंट का तरफदार था। और समझो उस जमाने के जो लोग थे यहूदी जिनको मुसलमान ही बोलेंगे, कि तो हजरत मूसा अलैहि सलाम को मानने वाले थे, जब तक कि उनकी सही तालीमात को, पैगंबर की सही तालीमात को जब मानते कोई कौम तो वो मुसलमान ही रहती, कि तो शुरू से हर एक का मजहब इस्लाम ही था। तो वो जो कारून था वो जो है ना बादशाहों का और फिरौन का बहुत मंजूर नजर था, उसके जैसा कि आज हमारे लीडर हैं कि मुसलमान तो रहते मगर गैर मुस्लिम लोगों के और गैर मुस्लिम हुकूमतों में बड़े आला दर्जों पर रहते और मुसलमानों के साथ गद्दारी करते, उसी किस्म का था वो भी, कि उसको बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ था फिरौन ने। और वो जो है तो अच्छा, उसके बाद आखिरी जो पैगंबर बताया मैंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आखिरी नबी है, और आखिरी गाइडेंस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आया। और हुजूर के पास क्या गाइडेंस आया, तो हुजूर के पास जो अल्लाह ताला जो इंस्ट्रक्शन भेजता था, अल्लाह ताला जो खास इंस्ट्रक्शन भेजता था हुजूर के पास जिसको कुरान बोल के, तो वो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में वो जब जैसे इंस्ट्रक्शन आता था, हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम एक फरिश्ते हैं वो इंस्ट्रक्शन उनके हुजूर पे नाजिल करते थे,
यानी डाउनलोड समझना आज के जमाने में, कि हुजूर के पास अलग जो इंस्ट्रक्शन आती थी वो कुरान बोल के हुजूर सल्लम उसको लिखा देते थे अपनी जिंदगी में। जो हुजूर के पास लिखने वाले थे, अरबी लिखने वाले जो लोग मौजूद थे, कातिब वही जिसको बोलते, उनसे वो लिखा लेते थे, वो मुख्तलिफ चीज़ों पर लिख के रखते थे। और बाद में हुजूर सल्लम के इंतकाल के बाद वो सारी की चीज़ें जमा की गई। हुजूर के जो खलीफा थे, हुजूर के बाद के जो खलीफा थे, उन्होंने वो सारी चीज़ें जमा करके उनको लिखा है ताकि लोगों के लिए आसानी से जाए। वो पूरा कुरान वही है जो हुजूर के पास, अल्लाह के पास से इंस्ट्रक्शन आया, उसमें से एक आयत भी गुमी नहीं, कमी नहीं हुई, ना उसमें से कोई भूली गई। जो भी अल्लाह ताला चाहता था, जितने भी अल्लाह ने चाहा कि सब मुसलमानों के पास मौजूद रहे, वो सारी इंस्ट्रक्शन जैसी की वैसी हुजूर के जमाने की लिखी हुई, वो बाद में कागजों पे लिख के, किताबों पे लिख के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजी गई। तो उसका जिक्र भी आएगा। और हुजूर सल्लम की जिंदगी जो नबुवत कर रहा, हुजूर सल्लम जब 40 साल के हुए तो वो पैगंबर बनाए गए, अल्लाह ताला ने उनको पैगंबर बनाया। पैगंबर तो वो पहले से ही थे, मगर 40 साल के बाद उनके पैगंबर का वो जाहिर हुआ। और उनके पास अल्लाह ने कुरान भेजा, उनके पास जो इंस्ट्रक्शन दूसरी जो कुरान के अलावा भेजते थे, जो गाइडेंस रोजमर्रा की जिंदगी के वास्ते, उसको हदीस बोलते। वो हदीस यानी हुजूर का जो इंस्ट्रक्शन लोगों के साथ जो सलूक, हुजूर की जो गाइडेंस रहती थी वो हदीस रहती थी। हदीस और कुरान डिफरेंट है। कुरान जो है खास अल्लाह की गाइडेंस है जो अल्लाह की तरफ से है, और हदीस जो है वो अल्लाह की तरफ से ही रहती थी मगर हुजूर के थ्रू रहती थी। हुजूर बताते थे और वो लोग बाद में उसको लिख लिए, उसका भी एक जखीरा मौजूद है। और कुरान ऑथेंटिक है, कुरान में जो भी अभी लिखा हुआ है वो जैसा का वैसा मौजूद है। बाकी दुनिया के जितने मजहब है, जितने भी मजहब है दुनिया के, जितने भी आप 3,000 पकड़ो, 4,000 पकड़ो, जितने भी मजहब शुरू से लेके अभी तक है, जो चल रहे हैं, जो खत्म भी हो गए, उनकी कोई भी किताब अपनी असली हालत में अभी तक मौजूद नहीं है। कोई भी किताब उनकी असली हालत में मौजूद नहीं। वो लोग दावे करते कि हमारी किताब 5,000 साल पुरानी है, हमारी 50,000 साल पुरानी है, हमारी जो है तो 1,00,000 साल पुरानी है, हमारा मजहब ऐसा है वैसा है, वो दावे करते हैं, मगर उनका कोई प्रूफ नहीं है। तुम्हारे पास जो किताब है मौजूद 1,000 साल का भी प्रूफ वो लोग बता नहीं सकते कि 1,000 साल पुराना ये किताब मौजूद है, ये उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो खाली अटकलें लगाते रहते कि ऐसा होगा तो फिर ऐसा था, इसलिए वो उसमें ये किस्सा लिखा हुआ है, ये वाकया है, ये वाकया तो इतने 1,000 साल पुराना है, इसका मतलब ऐसा है ऐसा है। वो उनके पास कोई ऐसे कागज एक मौजूद नहीं है ये बताने के लिए कि इतने 1,000 साल पुराना है। मगर कुरान शरीफ जो है आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के पैदाश के बाद 1440 साल से ज्यादा हो गए, वो जैसा का वैसे लिखा हुआ अभी भी तुर्की की म्यूजियम में है, और भी कोई म्यूजियम में है। वो ऐसे 7 नुस्खे बनाए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और वो लिखे थे कागज पर, नुस्खे यानी उसके क्या बोलेंगे बुक्स वॉल्यूम, 7 वॉल्यूम बनाए थे और अलग अलग जगह भेजे थे। तो उसका एक वॉल्यूम तो जैसे का वैसा तुर्की में रखा हुआ है, और आज भी लोग उसको पढ़ सकते और पढ़ने वाले पढ़ते, और उसी की कॉपी है। आज पूरी दुनिया में जितने भी कुरान है उसी की कॉपी है वो जो तुर्की में रखा हुआ है। तो कुरान जो है वो आज जैसा वैसा अच्छी तरीके से मौजूद है। हुजूर के जो इंस्ट्रक्शन है हदीस, जो जिंदगी में हुजूर सल्लम ने पैगंबर बनने के बाद अपनी उम्र के 40 साल से लेके, तो अपनी उम्र के 62 साल तक, तकरीबन 23 साल होते हो वो हिजरी के हिसाब से, तो 23 साल की जिंदगी में जो गाइडेंस किया, जो बातचीत की, जो इंस्ट्रक्शन दिए, वो हदीस की शक्ल में जमा करे लोगों ने। उनके बाद जो साथी थे, उनके जो साथ रहने वाले लोग थे, उनसे लोगों ने वो सुन के उनके बातें जमा करके ऑथेंटिक तरीके से उसके ऊपर बहुत तहकीक की है। हदीस के ऊपर इतनी ज्यादा तहकीक की कि दुनिया के किसी मजहब के अंदर, दुनिया की ये चैलेंज है कि दुनिया के किसी भी मजहब में उनके जो जो मजहब के जो पेशवा थे बड़े, उनकी बातें इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ किसी ने भी नहीं लिखी हुई। दुनिया के कोई भी मजहब के बड़े से बड़े पेशवा की बात जो रिकॉर्ड की हुई है उसके बारे में ये दावा ही नहीं है कि ये किसने किया, कब किया, कैसा लिखा। मगर हमारी जो हदीसें हैं उनके बारे में सबके नाम लिखे हुए कि हदीस किसने लिखी, किससे सुनी, कहाँ से आई, वो बोलने वाला कैसा था, जिससे सुने उसके कैरेक्टरिस्ट कैसे थे, वो नेक था या कैसा था, वो पूरी तहकीक करके वो हदीस बनाई है। तो इतनी ऑथेंटिसिटी किसी भी मजहब में नहीं है दुनिया के जितने हदीस के अंदर है। अच्छा, इस्लाम जो है हुजूर सल्लम का जो दीन है, हुजूर सल्लम का जो मजहब है, अल्लाह ताला ने उसका नाम इस्लाम रखा है। जो इस्लाम मजहब है वो शुरू से हजरत आदम से लेके तो पूरे 1,40,000 पैगम्बरों तक के सबका मजहब इस्लाम था, इसलिए हुजूर के मजहब का नाम भी इस्लाम है। अब इस्लाम और दूसरे मजहब, अब दुनिया में जितने मजहब मैंने बताया बहुत सारे मजहब है, उसके उसमें चंद के नाम मैंने लिया कि जो है बाद में, जो इस्लाम से पहले के जो मजहब थे उसमें जरदश्त का है, कन्फ्यूशस का है, यूनान का है, रोम का है, और जो है तो बुद्ध मजहब है, जैन मजहब है, और जो है तो बहुत सारे मजहब है,
ईसाइत है, यहूदी है, तो बाद में इस्लाम है। इस्लाम के बाद भी बहुत सारे मजहब बने, इस्लाम के बाद भी इस्लाम से मुतासर होकर बहुत सारे मजहब बने। कुछ मजहब तो ऐसे थे कि जो इस्लाम के ही फिरते थे, कुछ मजहब ऐसे थे कि मुसलमानों की गफलत की वजह से, मुसलमानों की जहालत की वजह से मुसलमान उनको कैप्चर नहीं कर सके, और वो एक तरफ आइसोलेट हो गए, किसी जंगल में रह गए, और वहां पे जाके एक अलग ही मजहब बन गए। उसमें से इराक में एक मजहब है जिसको आजकल वो लोग वहदानियत बोल रहे हैं और हक्कानियत बोल रहे हैं, और जो है तो जिसको असल में ये यजीदी मजहब है, इराक में है यजीदी मजहब। वो लोग ये बोलते हैं कि हम जो है तो एक ही खुदा को मानने वाले हैं, और हमारा मजहब बहुत पुराना है, ज्यादा इस्लाम से पुराना है। असल में ऐसा नहीं है। इस्लाम के कुछ जो बुजुर्गान दीन थे, सोफिया थे, अदी बिन मुसाफिर बोल के एक वली थे, वो तबलीग के लिए वहां गए पहाड़ों में इराक के, वहां पर उन्होंने इस्लाम फैलाए। मगर वो बाद में उनके बाद इंतकाल के बाद मुसलमानों का कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं दिए, उन्होंने वो जहालत में रहे, और एक नया मजहब बन गया, और यहूदी यजीदी मजहब। ऐसे बहुत सारे मजहब हैं जो इस्लाम से मुतासर होकर बने। इंडिया में पंजाब में एक और मजहब है सिख मजहब, गुरु नानक का, वो भी इस्लाम से मुतासर होकर बना। और भी बहुत सारे मजहब, ईरान में एक मजहब निकला था ब्रिटिश जमाने में बहाई बोल के, और भी बहुत सारे मजहब है जो इस्लाम से मुतासर होकर बाद में बने हुए हैं। अमेरिका में भी एक मजहब बना था मालकम एक्स का, नेशन ऑफ इस्लाम बोल के, वो भी इस्लाम से मुतासर होकर बना, मगर इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बस वो बस मुतासर बने। ये उसका जिक्र इसलिए किया कि मजहब का जिक्र आया बोल के। अब ये सारे मजहब के अंदर सबसे अच्छा मजहब कौन सा है, वो मैं इसलिए नहीं बोला कि मैं खुद मुसलमान हूँ, चेक करने के लिए, एक आजादाना तरीके से, एक लॉजिक के तरीके से आप खुद चेक करो कि ये सारे मजहब की स्टडी करो। मैंने बहुत स्टडी किया इस्लाम की। मेरा दिमाग ऐसा था कि मैं कोई भी चीज़ को लॉजिकली कबूल करता था, ऐसा डायरेक्ट सुन के या किसी देख के या किसी के बोलने पे मैं कोई बात से वो कबूल करने वाला नहीं था। मैं चाहता था कि मेरे को हर चीज़ का लॉजिकल प्रूफ मिले, साइंटिफिक प्रूफ मिले, इस्लाम भी हो तो उसका लॉजिकल और साइंटिफिक प्रूफ मिले। तो ये वजह से मैं जो है ना बहुत स्टडी करता था इस्लाम की। इंटरनेट की वजह से मेरे को ज़्यादा फायदा हुआ, अगर इंटरनेट नहीं होता तो इस्लाम की इतनी स्टडी नहीं कर सकता था मैं, क्यों तो ये फ्री में था इंटरनेट के ऊपर जो था, वैसा मैं अगर चाहता तो पूरे दुनिया में मुझे घूमना पड़ता था, पूरे अलग अलग मुल्कों में जाके वहाँ की लाइब्रेरी में बैठ के वहाँ से किताबें पढ़ना, वहाँ के जो लोग हैं, जो उलमा है, जो आलिम है, जो अकलमंद है, तो उनसे फलसफी है, उनसे बातें सुनना पड़ता था, ये बहुत महंगा पड़ता था और इतना टाइम भी। मगर इंटरनेट की वजह से ये काम आसान हो गया कि सबकी बातें नेट के ऊपर आसानी से फ्री में अवेलेबल रही। और अल्लाह करम से दुबई में रहने की वजह से दुबई में मेरे को इंटरनेट भी फ्री में मिला, वक्त भी बहुत ज़्यादा मिला, तो मैं अपना 99% वक्त इस्लाम की स्टडी में लगा देता था। और इस्लाम की स्टडी के साथ साथ इस्लाम के खिलाफ जिन्होंने वेबसाइट लिखी हुई है, इस्लाम के दुश्मनों ने जो लिखी हुई है, इस्लाम के बारे में बुरी बातें जो लिखते थे, वो भी मैंने खूब स्टडी किया। ऐसे नहीं कि वो उनको नहीं पढ़ा, मैंने खास तौर से इसलिए पढ़ा कि हमको हकीकत मालूम हो जाए, हक क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है मालूम हो जाए। तो वो पढ़ा, वो पढ़ने की वजह से मेरे को इस्लाम का और दूसरे मजहबों का पता चला, इस्लाम और दूसरे मजहबों में क्या है। इसलिए आप सब लोगों के लिए भी अगर ये मालूम करना है कि दुनिया में कौन सा मजहब सबसे अच्छा है, तो उसका तरीका ये है कि अलग अलग मजहब की स्टडी की जाए और उसकी तहकीक की जाए, और उसके मालूम की जाए कि उसकी जो बानी है, उसके जो पेशवा है, उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, उनकी जो हिदायत है, उनकी गाइडेंस है, या अल्लाह ताला के गाइडेंस है, या बाद के लोगों ने लिखे, किसने लिखा, कब लिखा, ये भी मालूम करना, उनकी बातें जो लिखी हुई है ऑथेंटिक है या नहीं है ये भी मालूम करना। तो हमको पूरे मजहबों का स्टडी करने के बाद ये पता चलता कि इस्लाम का जो दावा है वो सच है। इस्लाम बोलता है कि अल्लाह एक है, लॉजिक से भी साबित हुआ कि अल्लाह एक है, कि तो इन्फिनिटी एक ही रहती, इन्फिनिटी दो नहीं रहती, ये लॉजिक है, साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी ये इन्फिनिटी को मानती। तो इस्लाम भी ये कहता कि अल्लाह एक है, तो इसका मतलब इस्लाम का दावा बिल्कुल लॉजिक के करीब है, लॉजिक पे डिपेंड है, तो अल्लाह एक है ये साबित हुआ। दूसरा ये है कि इस्लाम का दावा है कि हमारे पास जो गाइडेंस है, हिदायत है, वो अल्लाह के पास से भेजी हुई है। तो हम चेक कर सकते कि कौन सा मजहब है दुनिया में जो दावे करता है कि हमारे पास है। हमने तीन मजहब देखे, तीन मजहब में से सब चेक करें कि वो उनके पास जो गाइडेंस है, अल्लाह के पास भेजी हुई, जो दावे करते हैं कि हमारे पास है, तो वो चेक करो कि वो सही है कि नहीं है। तो सब दूसरे मजहब जो है इस्लाम के अलावा, उनके पास की वो गाइडेंस थी
है मगर करप्ट हालत में है, चेंज हो गई भी है, उसमें तब्दीलियां हैं, मगर एक मजहब ऐसा है जो इस्लाम, जिसके पास वो गाइडेंस करप्ट नहीं हुई, चेंज नहीं हुई, तो फिर हमको लामहाला ये मानना पड़ता कि इस्लाम के पास ही आना है चेक करने के लिए। इस्लाम के अंदर आने के बाद जब चेक करते कि और क्या है, उनके बानी के बारे में क्या है, उनके बानी ने क्या बोले, यानी इस्लाम के जो पेशवा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी तालीमात हमारे पास पता चलती कि वो भी ऑथेंटिक हालत में है, किताब भी अल्लाह की हिदायत है, तो फिर इस्लाम को मान, फिर इस्लाम के बारे में हम सोचेंगे कि भाई इस्लाम वाकई में आप जो दावा कर रहा, वहां तक तो तीन बातें तो सही साबित हुई, अब चौथी बात है कि इस्लाम ने क्या लाया। इस्लाम ने एक मजहब लाया है, जो इस्लाम जिस वो जिसका नाम अल्लाह ने रखा है, वो खाली मजहब नहीं है बल्कि पूरे दुनिया के अंदर पूरे इंसानों के लिए एक एक सिस्टम है, जो अल्लाह की रहनुमाई में, अल्लाह की गाइडेंस में सही रास्ते पे जाने का, जैसा वीडियो गेम है, जैसा वीडियो गेम होता है, जिसके अंदर अपनी आदमी अपनी स्किल से वो गेम जीत सकता, अगर अच्छी तरीके से खेले तो जीत सकता, तो वैसा इस्लाम जो है, अल्लाह ताला ने जो इंसानों की जो किस्मत और नसीब बनाया है वो भी वीडियो गेम की तरह है, और उस वीडियो गेम के अंदर हमको एक ये चांस दिया है कि तुम अपनी काबिलियत से, अपनी स्किल से वो गेम में जीत सकते या गलत तरीके जा सकते, क्योंकि तो शैतान को भी एक चांस दिया हुआ है, शैतान भी एक चीज रखी है अल्लाह ताला ने इंसान की टेस्ट के लिए, आजमाइश के लिए, कि उसको भी बहकाने का मौका दिया है। अगर हम सही तरीके से चल के सही जगह जाते हैं, अल्लाह की रजा और खुशनूदी की तरफ जाते हैं, तो अल्लाह हमको इनाम देगा, और अगर हम शैतान की बातों में बहकते हैं, उधर चले जाते हैं गलत रास्ते पे, तो फिर अल्लाह के सजा के हम मुस्तहक हो जाते। तो ये सब बातें जानने के लिए कि ये सही है या गलत है, हमको जो है ना दीन के बारे में मालूम करना पड़ेगा कि सही क्या है, कौन सा मजहब सही है, इस्लाम के अंदर क्या क्या सही बात है, तो वो देखने के लिए हम ये देखेंगे कि ये हमारा जो मजहब है तो वो उसमें अच्छाई क्या क्या है, तो हम देखेंगे दुनिया के दूसरे मजहब, दूसरे जितने भी मजहब हैं वो क्या क्या बातें बताते, क्या क्या बातें बताते, और इस्लाम क्या बात बताता, और कौन सी बात इस्लाम की सही साबित हो रही। तो दुनिया के दूसरे मजहब के अंदर देखे हमने कि दुनिया के दूसरे जो मजहब है उसके अंदर बहुत सारी बुरी बातें शामिल हैं, बहुत सारे बुरे काम उसके वजह से होते, और यहूदी मजहब जो है, जो आसमानी मजहब है और दीनी इब्राहिम का एक हिस्सा है मगर करप्ट हो गया, तो उसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंसान फॉलो करना अभी आजकल जमाने में बहुत मुश्किल है, बहुत सी नामुमकिन, बहुत सी सख्तियाँ और बहुत सी जकड़न इंसानों के ऊपर है, बहुत सी पाबंदियां है, और उसके बाद हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी जो ईसाइत है, ईसाइत के अंदर बहुत सारी बुरी बातें हैं, ऐसी बुरी बातें हैं कि दुनिया में सबसे बुरे काम जो है यहूदी और ईसाई करते। एक मिसाल तो मैंने देखा, अब दुबई में, खुद दुबई में मैं रहने के बाद मैंने स्टडी किया, वहां पे ऐसा इंटरनेट पर रहने की वजह से मैं पूरे दुनिया के हर मुल्क से, यूरोप के, तकरीबन यूरोप और अमेरिका, जापान, चाइना, हर मुल्क से मैं कनेक्ट रहता था, और ऐसा रहता था जैसा उस मुल्क में रहता हूँ, क्योंकि तो मैं स्टडी करता था, अपने 99% वक्त में जो फ्री वक्त है, ड्यूटी वाला नहीं, ड्यूटी वाले वक्त में मैं ड्यूटी करता था, मगर फ्री वक्त में मैं इस्लाम की स्टडी करता था, 99% वक्त अपना इस्लाम की, तो मैं हर चीज़ को बहुत गौर से देखा, तो वहाँ पे मैंने देखा दुनिया के हर मुल्क में, यूरोप के रह के, या दुबई तो असल में जो दुबई है वो पूरे यूरोप के मुल्कों का एक मजमू है, दुबई की जिंदगी इस्लामी जिंदगी नहीं है, ऐसा लगता है जैसा हम यूरोप में रह रहे, बल्कि एक यूरोप में नहीं बल्कि 100 यूरोप में रह रहे, ऐसा दुबई है, वह दुबई की जिंदगी, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोग, वहाँ की जिंदगी, वहाँ का तर्ज जिंदगी, लाइफ स्टाइल बिल्कुल यूरोप के जैसा है। तो वहाँ पे मेरे कुछ बातें पता चली, स्टडी में आई ऐसी कुछ, तो मैंने अपने आंखों से देखा, कुछ के बारे में सुना, जहाँ पे भी क्रिश्चियन मजहब गया, क्रिश्चियनिटी जिस मुल्क में भी गई वहां पे बर्बादी हुई, पहले वहां के लोग अच्छे थे, हालांकि वो मुशरिक थे, बुरे दिनों को, बुरे मजहबों को मानते थे, मगर फिर भी अच्छे हालत में थे, क्रिश्चियनिटी जाने के बाद वो और ज्यादा बर्बाद हुए। मिसाल के तौर पर फिलिपीन, फिलिपीन जो है ना, पहले वहां पे क्रिश्चियनिटी नहीं थी, वहां पे वहां के लोग जंगली थे और जंगली मजहब मानते थे, जब क्रिश्चियनिटी गई वहां के लोग इतने बुरे बुरे हरकतें करने लगे, बुरी बुरी चीजें खाने लगे, और दुनिया के सब, उसके अलावा दूसरे और मुल्कों में जहाँ पे क्रिश्चियनिटी का फैलाव हुआ, मिसाल के तौर पे इंडिया में जो कोस्टल इलाके हैं बम्बई के पास के, या और वहाँ वहाँ के लोग पहले क्रिश्चियन नहीं थे, मगर जब क्रिश्चियनिटी गई वहाँ पे तो वहाँ के लोगों के अंदर बुराई बहुत आ गई, कि तो शराब पीते थे, शराब पीने की वजह से हर किस्म की बुराई आई, फिलिपीन में भी वैसे हुआ, शराब उनके पास जायज हो गई, शराब पीने के वजह से हर किस्म की बुराई उनके अंदर पैदा हो गई। तो ये ऑब्जर्वेशन बताया मैंने कि क्रिश्चियन मजहब जो भी मुल्क में गया, जैसा लैटिन अमेरिका में है, यूरोप में है, लैटिन अमेरिका के जो मुल्क है वहाँ पे जो है ना माफिया, ड्रग्स, ये वो
ऐसा है वहां पे, वो किस वजह से कि क्रिश्चियनिटी वजह से वहां पे शराब जायज है, सब लोग पी रहे, हर किस्म की बुराई फैल रही। एक इल्जाम के तौर पे नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे मैंने देखा कि, अच्छा दूसरी बात ये कि जो इस्लाम है, जो हमारा जो इस्लाम है उसके अंदर किसी किस्म की बुराई नहीं है, हर किस्म के अच्छे बातों की तालीम दी गई है, पाक रहने की, बुरी चीजें नहीं खाने का कहा से मना किया हुआ है। और जो है तो शैतान जो है हमको हर बुरे चीज के ऊपर ये करता, और शैतान जो है ऐसी चीजें, ऐसा इंसान के सामने बातें और ऐसे बरगलाने के और बहकाने के करता कि हमको हर बुरी चीज अच्छी लगती, हर बुरी चीज के अंदर एक अट्रैक्शन पैदा हो जाता। ये कौन करता? शैतान पैदा करता कि हर बुरी चीज में जो है अट्रैक्शन। शैतान जो है ऐसा जहनों को मसूर करने वाला है कि उसकी बताई हुई गुमराही इंसानों को भली मालूम होती है। ये सूरह कुरान शरीफ में है, सूरह इनाम में भी है, सूरह इनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 43, और ये दूसरा जो है सूरह सजदा में भी है, सूरह सजदा सूरह नंबर 41 आयत नंबर 25। ये दोनों आयतों में है कि शैतान जो है लोगों के बुरे अमल, बुरे काम को खुशनुमा करके दिखाता। वो जो बुरे काम रहते हैं, जो बुरे अमल रहते हैं, उनको ऐसे बहुत अट्रैक्शन मालूम होता, बहुत मजेदार मालूम होते वो काम। तो शैतान ऐसे कुछ काम बना देता कि उनको लगता है ये काम बहुत अच्छे है, क्यों ये काम रहता है शैतानों का। अच्छा शैतान दूसरे मजहबों के अंदर जो है बुरी बुरी चीजें खाना पीना, यहाँ तक ये कि जानवरों के पेशाब, जानवरों के पाखाने, वो तक वो मजहबों में खाए जाते हैं, उनकी इबादत की जाती है, जानवरों की इबादत की। इंसान अशरफुल मखलूकात है, दुनिया का सबसे अकलमंद तरीन मखलूक है, और एक जानवरों के आगे सीधा करते, ये कौन कराता? दुनिया के गलत मजाहब जो है तो इंसानों को जानवरों के आगे सीधे कराते, जानवरों का पेशाब पीने पे मजबूर करते, और उनके लोग बड़े फखर से जानवरों का पेशाब पीते, वीडियो बने हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते कि ये कौन कर रहा है? शैतान करा रहा है। किससे करा रहा है? अशरफुल मखलूकात से करा रहा है, करा रहा है। क्यों करा रहा है? कि आदम से जो है ना इंतकाम ले रहा है, आदम का जो बदला लेने के लिए एक अशरफुल मखलूकात को जानवरों के पेशाब पिला रहा है। यूट्यूब पे गिलास भर के पेशाब पीते हुए इनके वीडियो मौजूद है, और ये कर रहा है शैतान, और शैतान खुश है इसके अंदर। अच्छा शैतान बुरे अमाल करता है, शैतान बुरे अमाल करा के हमको खुशनुमा दिखाता है। शैतान ऐसे 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 अमाल इंसानों से कराता है कि हमको बहुत भले मालूम होते हैं, बहुत खुशनुमा मालूम होते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे यूरोप में, ये पूरी दुनिया में हर मुल्क में जहाँ पे भी इस्लाम नहीं है, औरतों को जो है ना, औरतों को नुमाइश, औरतों को कम से कम कपड़े पहनाना, कम से कम जो लेटेस्ट जो कपड़े पहन रही है वो, और जो जिसको जो यूरोपियन जो ये बोलते लिबास बोलते, वो कैसे रहते? बिल्कुल कम कपड़े, स्कर्ट ये वो, औरतें उसके अंदर खूबसूरत नजर आती है, हर इंसान देख के वो अट्रैक्ट हो जाता। ये कौन है? शैतान का अट्रैक्शन है। या और देखो, औरत और आदमी दोनों भी इंसान है, दोनों भी अकलमंद है, मगर ये औरतों के दिमाग जो अकल मारी जाती है, शैतान उनके अकल के ऊपर पर्दे डाल देता है कि एक आदमी तो है यूरोप का या कहीं का भी, फुल कपड़े पहने हुआ, पैंट है उस पर, शर्ट पहने हुआ है, पर कोट है, टाई लगी हुई है, सिर पे टोपी भी है या नहीं भी है, वो फुल कपड़े पहने हुए आदमी, और औरतें बगैर कपड़ों के, कम से कम कपड़ों के, नंगी नंगी घूमती रहती है, चप्पल भी ऐसी पहनती है ऊंची एड़ी की ताकि पूरा पैर नजर आए, शूज नहीं पहनेंगी वैसे ऊंची एड़ी की चप्पल, हील वाली जिसको पंप बोलते, वो ऐसी चप्पलें पहनी हुई, ऐसे कपड़े पहने हुए, ऐसे लिबास औरतों के, और आदमी उनके देखो फुल कपड़ों में, ये बेवकूफी नहीं तो क्या है? और असल में ये जो नजारे है शैतान जो औरतों के दिखाता है, ये खुशनुमा करके दिखाता है, हालांकि ये बुरे काम है। अच्छा जो लोग अपने आप को मॉडर्न समझते हैं और मॉडर्न जिंदगी में अपने आप खुश समझ, ये भी शैतान का दिखाना है। अच्छा अभी जो है कुरान क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान आया तो कुरान की हकानियत क्या? इस्लाम के बारे में तो मैंने बता दिया कि इस्लाम जो है ना हर अच्छे काम इंसान को बताता, इस्लाम के अलावा दूसरे मजहब है उसके अंदर अच्छाई कम है, अच्छाई नहीं है, जो जो अच्छाई उन्होंने की है उसमें बहुत से बुरे काम भी है, बहुत सारी बुरी बातें भी हर दूसरे मजहबों में है, और इस्लाम के अंदर जो एक भी बुराई बात, बुरी बात अभी तक किसी ने ढूंढ के नहीं निकाला। इस्लाम के जितने भी दुश्मन हैं, इस्लाम के जो खिलाफ बोलने वाले हैं, इस्लाम गैर मुस्लिम है या इस्लाम के दुश्मन है, काफिर है या जिसको बोलेंगे अथेस्ट है, उन्होंने भी इस्लाम के अंदर कोई बुरी बात अभी तक ढूंढ के नहीं निकाली कि ये बात बुरी है, तो साबित ही नहीं हुई साइंस से। जिस बात को वो बुरी बोलते हैं, बाद में थोड़े दिन बाद वो अच्छी साबित हो जाती, बहुत सारी बुरी बातें वो बताते गैर मुस्लिम इस्लाम के अंदर है, बाद में साबित हो जाती कि वो अच्छी है, वो साबित हो जाते, खामोश हो जाते बोलो। कुरान क्या है? और कुरान क्या है और दीगर मजाहब की तो की अथेंटिसिटी, कुरान
कुरान की जो ऑथेंटिसिटी है उसको तो गैर मुस्लिम भी मानते हैं। आपको बताया कि मैंने 1440 साल से जैसा का वैसा अपनी ओरिजिनल हालत में, दूसरे कोई सी मजहब की किताब भी अपनी असली असली हालत में है ही नहीं, बल्कि दुनिया का कोई मजहब भी अपनी कोई किताब नहीं बता सकता कि तो भाई इतने साल पुरानी रखी हुई है। बोलते दावे बहुत है, 5,000 साल के है, 20,000 साल के है, 50,000 साल के है, 1,00,000 साल के दावे करते हो, मगर उनकी कोई किताब का कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो इतने साल की है। उनके ऐसा है तो प्रूफ बताओ। उनकी बहुत सारी ये जो मजाहब है जो दावे करते हैं कि हमारी मजहब बहुत, हमारा मजहब बहुत पुराना है और हमारी मजहब की किताबें बहुत पुरानी है, ये सब अंग्रेजों के जमाने में लिखी हुई है। ब्रिटिश पीरियड में जब ब्रिटिश ब्रिटेन के ब्रिटिश के लोग आए दुनिया के मुख्तलिफ मजाहब में, वो मुल्कों में, ब्रिटेन वाले आए, यूरोप के कौमें आई, और उन्होंने जब वहां के लोगों के पर कंट्रोल हासिल किया, उनके मजहब की किताबें जमा की इधर उधर से जबानी, और उन्होंने लिखे अंग्रेजों ने, उनके जमाने में वो जमा हुए उनके कागजात, और वो उस जमाने तकरीबन मुश्किल से 300 साल पुराने हैं। पूरे दुनिया की जितनी भी मजहब की किताबें हैं मुश्किल से 300 साल पुराने हैं और ब्रिटिश पीरियड में लिखे हुए हैं, इससे पहले का वो बता ही नहीं सकते। मगर इस्लाम की किताब अभी भी मौजूद है, इसी के बाद की जलन भी है, हसद भी है। हमारे जो गैर मुस्लिम हैं दुश्मन, वो जलते भी इस्लाम की इसी वजह से कि इनकी किताबें जो है, अच्छा तौरात और इंजील जो है वो पुरानी किताबें हैं, उसके वो लोग बताते भी कि 1,000 साल पुराना भी मिला, इधर मिला उधर मिला, मगर उसमें तहरीफ हुई भी है। पहले के तौरात में, रब के तौरात में चेक करो, अभी अभी वो सबूत है, इसलिए वो छुपाते भी। जो पुरानी जो और तौरात भी मिली, तलबूत भी मिली, या बाइबल भी मिली, या इंजील भी, अगर उनको 1,000 साल पुराना मिल गया किसी कार में, किसी आर्कोलॉजी की जगह पे, तो वो बता नहीं सकते आज के जमाने में, क्योंकि तो आज के वो किताब में और पुरानी किताब में फर्क नजर आता। अच्छा, ये जो यूरोपियन कौमें हैं, यहूदी है और ईसाई है, और जो भी यूरोप के लोग हैं उसमें अल्लाह को नहीं मानने वाले भी है, आथेस्ट भी है और न्यूट्रल भी है, ऐसे भी है, तो वो सारे लोग जो तहकीकात करते रहते हैं, आर्कियोलॉजी से किताबें ढूंढते रहते हैं, जमीन में से चीजें निकालते रहते हैं, और जमीन में से कुछ ना कुछ हमेशा निकलते रहता, जमीन में से छुपी हुई चीजें, जमीन में जो दब गई गड़ी आर्कियोलॉजी के हिसाब से निकलते रहते, तो उसमें से जो चीज निकलती है वो पहले जाहिर नहीं करते। जब भी कोई चीज की दरियाफ्त होती तो वो उसको छुपा देते वो लोग, उसकी वजह क्या है छुपाने की, क्योंकि मालूम है कि अगर इसमें से कोई चीज निकल गई और जो इस्लाम के फेवर में है तो फिर इस्लाम का बात सच साबित हो जाएगी, इसलिए पहले वो उसको स्टडी करते, उसके अंदर बहुत से सारी छुपा छुपी करते, उसके बाद उसको पेश करते। इसलिए बहुत सारी चीजें जब दरियाफ्त होती है पता चलता है कि ये किताब कब मिली, पता चलता है आज से 6 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले वो चीज मिली, मगर आज उसको बता रहे कि तो आज तहकीक खत्म हुई। तहकीक खत्म नहीं हुई, बल्कि वो लोग चेक करते कि इसमें इस्लाम के फेवर में कोई चीज है तो नहीं है, अगर है तो बताते नहीं। जैसा कि 1948 में, 1948 में फलस्तीन में, पैलेस्टीन में कुमरोन बोल के एक पहाड़ है, कुमरोन पहाड़ी, जिसको डेड सी स्क्रोल भी बोलते हैं लोग, डेड सी का जो एरिया है वहां के पहाड़ में कुछ किताबें मिली, स्क्रोल यानी लपटे हुए लिफाफे जैसे, डेड सी स्क्रॉल बोलते हैं, वो तकरीबन 3-4 हज़ार है वर्क, मगर वो आज तक पूरी तरीके से उन्होंने जाहिर नहीं किए। जो जो जाहिर करते हैं खाली उसकी अच्छी से स्टडी करके, उनको खूब जांच करके, इस्लाम की कोई फेवर की बात नहीं है तो ही वो जाहिर करते, बाकी के सब छुपे हुए। और ये छुपाते क्या, किस बुनियाद पे, उसकी सिक्योरिटी और उसकी हिफाजत के बहाने से, कि वो बहुत पुराने हैं, खराब हो जाते हैं, फलाए हमके टमके बोल के छुपा देते हैं, और जो चीज़ जाहिर करते वो, उनको डर है इस बात का कि कहीं इस्लाम की कोई बात सही साबित ना हो जाए, मगर वो जो बातें धीरे धीरे इस्लाम की साबित होंगी, इस्लाम की कोई अच्छी बात बिल्कुल पता नहीं उसमें से चलेंगी, कहीं ना कहीं से वो निकलते रहता और कोई ना कोई गवाही देते रहता कि उसमें से ये बात निकली, इसमें से ये बात निकली, मगर वो रखी हुई जो डेड सी स्क्रॉल है वो मिट्टी के ऐसे सुराहियां थी, जैसे अपने कद्दू होते हैं ना लंबे कद्दू, उस टाइप के वो सुराही बनाते थे मिट्टी की, पीचर जिसको बोलते जार, और उसके अंदर वो कागज लपट के रख देते थे और उसका मुंह मिट्टी से बंद कर देते थे, जिसकी वजह से उसमें कीड़े नहीं लगे, खराब नहीं हुई। तकरीबन 2,000 साल पुराने स्क्रॉल मिले हैं, तकरीबन 3,000 से ज्यादा उसके वर्क है, मगर वो भी सब छुपाते रहते हैं वो लोग ताकि वो लोगों को नहीं पता चले। डेड सी स्क्रॉल इसकी एक मिसाल है। और भी जो भी चीज निकलती है आर्कियोलॉजी में से, जो भी मूर्तियां हैं, जो भी लिखे हुए हैं, जो भी कागजात है, रोजेटा स्टोन है जिससे उन्होंने इजिप्ट की लैंग्वेज पढ़ी, हीरोग्राफी, वो सारी जो है ना निकलते रहती, तो वो छुपाते रहते ताकि इस्लाम का जो है तो मालूम ना हो बल्कि। और कुरान के जो बराह होने के दलाइल क्या है, कुरान जो है
सही है, और दूसरी किताबें गलत मजहब की गलत कैसी है, दूसरी इसलिए कि दूसरी जो मजहब की किताबें हैं इस्लाम के अलावा, उनकी कोई बात जो है साइंस के हिसाब से अभी तक सही साबित नहीं हुई, उनकी कोई पेशन गोई प्रोफेसी अभी तक सही साबित नहीं हुई। और कुरान के अंदर जितनी भी प्रोफेसीज हैं, पेशन गोई जिसको बोलते हैं आगे की बातें बताना, वो सही साबित हो रही है। और कुरान जो के अंदर की जो बातें हैं वो साइंटिफिक तरीके से साबित हो रही है। मैंने खुद 50 से ज्यादा साइंटिफिक रेफरेंस कुरान से निकाले, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अब अपन उसके करीब पहुंचते जा रहे हैं, हो सकता है अगले चैप्टर में हम वो कुरान के रेफरेंस जो साइंटिफिक है वो मैं खुद जो निकाले हुए हैं, उसके मेरे अलावा दूसरे लोगों ने तो बहुत निकाले, नेट पे पढ़ा मैंने, मेरे अलावा भी बहुत चीज़ों ने लोगों ने निकाले जो मुझे मालूम नहीं थी, मगर मैंने भी खुद अपने खुद से खुद कुरान पढ़ के खुद अरबी को अल्लाह की जबान में समझ के अपने खुद के दिमाग से जो चीज़ निकाला मैंने वो भी आपको बताऊंगा। देखो कुरान शरीफ किसने लिखा, कब लिखा, उसके बारे में पूरा मौजूद है, और दूसरे मजहब की किताबों के बारे में कोई चीज मौजूद नहीं है कि कब लिखी हुई है बल्कि। अच्छा एक जो है कुरान का मौजजा बताऊंगा आपको मैं, ज्यादा नहीं, सूरह बकरा, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 251, ये याद रखिए, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 251। और दूसरा जगह वही आयत है सेम, सूरह अल हज सूरह नंबर 22 और आयत नंबर 40, सूरह नंबर 22 और आयत नंबर 40। ये दो सूरों में कुरान की हकानियत बतरो आज के जमाने में। अब आप लोगों को ये बात बताते आ रहा हूँ मैं शुरू किया पहले सबकों से कि कुरान हमेशा हर जमाने के लिए है, 1440 साल से ऑथेंटिक चला आ रहा है, पिछले पास्ट में भी वो ऑथेंटिक था, अभी प्रेजेंट में भी ऑथेंटिक है, और फ्यूचर में भी ऑथेंटिक रहेगा, उसके बहुत सारे सबूत है। उसका एक छोटा सा सबूत ये बता रहा हूँ कि ये जो सूरा है सूरा बकरा का, सूरा बकरा आयत नंबर 251 और सूरह अल हज आयत नंबर 40, ये इसके अंदर ये बताया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम, अल्लाह बोल रहा मैं यानी हम एक एक कौम से, एक एक कौम की ताकत से दूसरे कौम की ताकत को हम कम करते, एक एक कौम की ताकत की वजह से दूसरे कौम की ताकत को कम करते ताकि दुनिया में जुल्म ना हो, एक दूसरे पर जुल्म ना हो, मस्जिदें ना तोड़ी जाए, उनकी इबादत खाने ना तोड़े जाए और उनकी बेहरमती ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं एक कौम की ताकत से दूसरी कौम की ताकत को तोड़ देते। इसको एक जंगली तर्जुमा जो हम करेंगे ये है कि एक कौम की ताकत से हम दूसरी कौम की ताकत को जिराते, किसी की ताकत को जिराना है तो एक कौम को उठा देते, एक कौम की ताकत की वजह से दूसरे कौम को हम जिराते ताकत को, ये जंगली तर्जुमा है। तो मगर इसका तर्जुमा ऐसा ही है कि अल्लाह ताला एक कौम की ताकत से दूसरे कौम को दबाता है ताकि दुनिया में जुल्म ना हो, एक बैलेंस बरकरार रहे। ये दोनों आयतों में है, सूरह बकरा की 251 में भी है और सूरह हज की 40 नंबर आयत में भी है। अब ये आयत आज के जमाने में सही साबित कर सकती, ये बात करके मैं खत्म करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है तो कुरान के बरा होने के बारे में भी रेफरेंस देखते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये आयत कैसी है कि आज आप गौर करो, आज के हालात, आज की स्टडी करो, आज की न्यूज देखो कि दुनिया में कौन मुल्क है जो ताकतवर है, जिसके पास हथियार है, जो बहुत ताकत हासिल कर लिया, और जो कमजोर मुल्क है जिसके पास ताकत नहीं है उसको डराते रहता, उसको धमकाते रहता, मैं तेरे पैसा करूंगा, मैं तेरे पे हमला करूंगा, मैं तेरे को मारूंगा, बिल्कुल डर रहा है। और वो जो कमजोर मुल्क है वो पिछले कई साल से, कई 40 साल 50 साल से इनके हाथ पड़ रहा है, पैर पड़ रहा है, हमको माफ करो, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे और मिलजुल के रहेंगे, और ये एक मुल्क है वो मानता ही नहीं है, वो बस हमले कर रहा, डर रहा, धमका रहा। जैसा कि पड़ोसी होते हैं ना, एक ताकतवर पहलवान पड़ोसी है, एक कमजोर है, तो पहलवान जो है ना, ये पैसे वाला जो पड़ोसी है वो गरीबों को डराता है, गरीब पड़ोसी को डराता है, धमकाता है, अपना रौब डालता है, वैसा ही है। मगर बाद में अल्लाह ताला क्या करता है, एक दूसरे को खड़े कर देता है, एक दूसरा मुल्क, तीसरा, वो उससे ज्यादा पावरफुल रहता है। जब वो आके उनको डराता है, दूसरे मुल्क को, जो पहले गरीब मुल्क को डरा रहा था उसको डराने का, एक तीसरा मुल्क अल्लाह खड़े करता है, वो उनसे ज्यादा पावरफुल है। जब वो डराता है तो फिर ये क्या करते हैं, इसका छोड़ देते, उस मुल्क का पीछा छोड़ देते, उसको डराना छोड़ देते, और ये इसके पीछे पड़ जाते, वो हमको माफ करो, हम तुमसे दोस्ती करते और हम उनके साथ मीटिंगें करते, 40 50 मीटिंगें करते कि भाई हमको हम दोनों दोस्ती करेंगे। इससे क्या होता, ये आयत साबित करती है कि अल्लाह ताला एक मुल्क की ताकत से दूसरे मुल्क को दबाता है ताकि दुनिया में अमन कायम रहे, मस्जिदें ना टूटे, जुल्म ना हो। ये आयत आज से 1440 साल पहले अल्लाह ने कुरान में लिखी है कि हम एक कौम से दूसरी कौम की ताकत को जिराते ताकि जुल्म ना हो। वैसे आज के जमाने में आप देख लो, दुनिया में मुल्क है, बहुत सारे मुल्क है, न्यूज में है आप पढ़ते कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को डराता है, दबाता है, धमकाता रहता है,
और उसको दबाते रहता है, मगर जब तीसरा मुल्क आके खड़े हो जाता है उससे ज्यादा पावरफुल, तो फिर ये डर जाते, ये भीगी बिल्ली बन जाते, उसके पैरों में जाके गिर जाते और सीधा कर देते उसको जाके कि भाई हमको माफ करो, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते। तो ये कैसा होता है, ये अल्लाह का इंसाफ है। ये बात बता के मैं खत्म करता हूँ, आगे इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर में अब इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से और रेफरेंस और ये देना शुरू करूंगा इंशाल्लाह।